morning students, welcome in online classes. I am here to teach you the subject of economics of class 12. This is first chapter of your economics subject. The name of this chapter, an introduction to micro and macroeconomics. There are several branches of economics, but these two are the most important, micro and macroeconomics. Economics में दो branches होती हैं, mainly two branches होती हैं, जिसमें micro और macroeconomics की हम लोग study करते हैं. Next, firstly हम लोग microeconomics की study करेंगे. Microeconomics में कहा गया है कि हम small units की study करते हैं, individual units की study करते हैं. Individual units की study करते हैं. Micros have been derived from the Greek words micros, which means small. माइक्रो जो वर्ड आया है ये ग्रीक वर्ड है माइक्रो से आया है जिसका मतलब होता है स्मॉल. हियर वी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी. हम कंज्यूमर किसी एक कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, किसी एक प्रोड्यूसर की स्टडी करेंगे. यहाँ पे हम होल इकोनॉमी की स्टडी नहीं करेंगे, किसी एक प्रोड्यूसर की फर्म की इंडस्ट्री के बारे में यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे. मीन्स यहाँ पे हमें नेशनल इनकम नहीं स्टडी करना है, यहाँ पे हम किसी एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की स्टडी करेंगे. नेक्स्ट, in my next slide, the scope of microeconomics. There are three scopes, mainly three scopes. First is product pricing. यहाँ पे हम product pricing को दो behavior में divide करते हैं. First है consumer behavior, second है production and cost behavior. Consumer behavior में हम consumer की behavior को study करते हैं. Consumer किस price में product को खरीदना चाहता है, किस price में वो product को purchase करने के लिए reasonable feel करता है. नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. यहाँ पे हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि प्रोड्यूसर किस प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है. जाहिर सी बात है कंज्यूमर हमेशा प्रोडक्ट को एक रीजनेबल रेट में परचेज करना चाहता है और प्रोड्यूसर हाई रेट में सेल करना चाहता है. नेक्स्ट है हमारा फैक्टर प्राइसिंग. फैक्टर प्राइसिंग मेनली फोर होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यहाँ पे हम लोग रेंट का यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, हमने अगर लैंड परचेज लैंड दे रखा है तो हम उसे रेंट में देंगे. अगर लेबर है तो उसके लिए वेजेस प्रोवाइड करेंगे. अगर लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट देंगे. और अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट लेंगे. नेक्स्ट है इकोनॉमिक वेलफेयर. हियर वी स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. यहाँ पे हम इकोनॉमिक वेलफेयर को भी स्टडी करेंगे. तो हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा कि यहाँ पे हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है लार्ज. मीन्स हम यहाँ पे होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे, नेशनल इनकम की स्टडी करेंगे, एग्रीगेट इनकम एग्रीगेट की स्टडी करेंगे. यहाँ पे हम टोटल इम्प्लॉयमेंट की स्टडी करेंगे. जहाँ इससे पहले हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था जहाँ पे हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी कर रहे थे, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम होल इकोनॉमी की स्टडी करेंगे. इन माई नेक्स्ट स्लाइड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन आता है. इनकम यहाँ पे हम किसी एक पीपल या एक फर्म में काम कर रहे लेबर्स की इनकम को इवेल्युएट नहीं करेंगे. यहाँ पे हम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, कंट्री की जीडीपी के बारे में बात करेंगे, कंट्री की नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे. हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में कितने लोग एम्प्लॉयमेंट में है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है. नेक्स्ट है जनरल प्राइस लेवल. जनरल प्राइस लेवल को स्टडी करेंगे हम, इन्फ्लेशन की स्टडी करेंगे और डिफ्लेशन की स्टडी करेंगे. इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइजेस, प्रोडक्ट के प्राइजेस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, और डिफ्लेशन मीन्स प्रोडक्ट के प्राइजेस का बहुत ज्यादा कम हो जाना. नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ किस लेवल पे हो रही है. कंट्री की ग्रोथ को जीडीपी में मेजर किया जाता है. जीडीपी मीन्स होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग स्टडी करते हैं एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड इंट्रीपोर्ट. यहाँ पे हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि माइक्रो और मैक्रो में मेनली क्या डिफरेंसेस है. तो मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो में हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं और मैक्रो को हम इनकम थ्योरी कहते हैं. यहाँ पे हम प्रोडक्ट के प्राइस को कैसे डिसाइड करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या डिसाइड करनी है, इसके बारे में पढ़ते हैं. और यहाँ पे हम डील्स विद इकोनॉमिक एग्रीगेट सच एज नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट. मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं. देन ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस हैं इसमें, मैंने आप लोग को दे रखे हैं, आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड एक्सप्लेन द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स.
आपको दो ब्रांचेस के बारे में बताना है, इकोनॉमिक्स की कौन सी दो ब्रांचेस हैं, बट इज मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड द नेक्स्ट इज वट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स गिवन एग्जाम्पल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास.